चाय का मेन्यू, चाय तो मुझे आती बनानी, बहुत सी चाय बनाता हूँ एक्चुअली। पहले पानी उबालते फिर उसके बाद उसमें पत्ती डालते हैं, उसको थोड़ी देर तक उबाल आने देते हैं, उसको कवर भी करते हैं कि उसके अंदर भाप चली जाए। उसके बाद दो तरीके, या तो जो आप लोग मसाला चाय बोलते हो सब कुछ एक साथ मिला लो, या फिर अलग सर्व करनी हो तो आजकल तो टी बैग्स भी गर्म पानी में करके डाल दो। मतलब दूध लो, वो चाय की पत्ती लो और डाल दो उसके अंदर, वो केटल में गरम करो। चाय चाय है, पत्ती कैसी है पीने वालों को पूछो। मैं एक्चुअली पानी उबालते हैं, जब उबल जाते हैं तो उसमें पत्ती डालो, चीनी डालो और उसको थोड़ी देर और उबालो। इफ यू वांट टू पुट इलायची, इलायची और मसाला और अदरक, यू कैन पुट दैट एंड देन यू पुट दूध अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और जो मैं बनाता हूँ वो सब मिलाकर दूध भी उसी में डाल के, थोड़ी सी इलायची और कभी कभी दालचीनी भी अगर किसी को अच्छी लगे, बट इलायची तो ठीक है। इलायची के साथ मैं बहुत चीज़ें बनाता हूँ। शरण, चाय पर बहुत सारी बातें होती है, चाय पर आपके लिए कौन सी बात इम्पोर्टेंट है? पहले चाय पिया करता था, सो चाय पे किससे कहानियाँ होते थे, कहवा हम पिया करते थे पेशावर में। और मेरे फादर जो थे वो कहते थे कि जब कहवा पीते हैं लोग तो ऐसे महफिल लगती है, और फिर किससे कहानियाँ होते हैं, रेडियो सैलॉन सुना जाता था या डिस्कस होता था। अभी वक्त नहीं मिलता लाइफ में। चूचा जो वरुण शर्मा है और प्रीति अक्सर दिलवाले के शूटिंग के बाद इकट्ठा एक रूम में बैठे थे और चाय मंगाई जाती थी, उधर बैठते थे। चाय कौन मंगाता था? चाय वरुण शर्मा मंगाता था, बिस्किट और चाय। वो आप लोग पहुंच जाते थे, हमने जूस पीता था। कितने भी बजे वो चाय मंगवा सकता है? कितने? He didn't have anything, I think, at that point. But हम लोग बैठते थे, बात-बात करते थे, इवनिंग्स में। सास बहू और साजिश। सास मतलब स्ट्रिक्ट, सबसे स्ट्रिक्ट काजल ही है, वो सबको डांट के रेडी है। और जो है मैं साजिश कौन करता था? साजिश कौन करता था आप दोनों के बीच में? साजिश तो रोहित ही करता है एक्चुअली, वो प्रैंकस्टर है तो बहुत सारी वो टीम को खुश रखने के लिए कभी ना कभी, जैसे हमारे जो ईपी हैं उनको तंग करने के लिए भूत का नाटक, किसी और को तंग कर बहुत सारे करता है वो। उसकी पिक्चर में एटलीस्ट 7-8 प्रैंक्स जरूर होते हैं, बहुत बड़े वाले। उसने दो लड़कों को चुड़ैल बनाकर बाथरूम में रख दिया और फिर हमारे ईपी को वहाँ भेजा रात को कि यार वो चेक करके हमें लोकेशन चाहिए, और वो सारी की सारी चिल्लाते जाए। बहुत डर गया था वो, एकदम लाल हो गया था वो अपना जॉर्ज। मैं हूँ कमलिका। वो क्या है कमलिका का बैकग्राउंड? कुछ आता था ना बैकग्राउंड का, बड़ा डेंजरस कमलिका ऐसे कुछ होता था ना। यू नो रिसेंटली हम लोग वो शो पे भी गए थे, साथ निभाना साथिया, तो उसमें अमन वाज मिहिर ऑन, क्योंकि सास भी कभी होती और मैं उनको सिर्फ मिहिर मिहिर बुला रहा था। हां ये होता है, आई सेड मिहिर मिहिर और वो रिएक्ट भी कर रहे थे एंड ही वाज लाफिंग आल्सो। बट एक चीज हमें टीवी के बारे में बोलना चाहिए था, हाउ वी हैड दैट, मतलब ओ माय गॉड, मतलब ऐसे तो मैंने कभी लाइफ में शूट किया ही नहीं है, सोचा भी नहीं था। इट्स वेरी डिफिकल्ट या व्हाट दीस गाइस डू, एंड बहुत मतलब रिस्पेक्ट नहीं होते हैं, एक ही टेक में करना होता है, इतनी सारी चीजें एक ही टेक में कर रहे हैं, डायलॉग्स भी उसी टाइम पे ऐसे मिले हैं, वो इतना लंबा उनका मोनोलॉग तो हो रहा है, मतलब कैसे किया होगा उसके बाद। फुल एक्टिंग, फुल जोश, वुड हैव टू लुक गुड और धूप में, एंड इट्स सो फास्ट, इट्स लाइक टीवी टफ, इट इज डिफिकल्ट। टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख रहे थे कि दो लोगों का ओवर द शोल्डर क्लोज अप जो है वो एक साथ हो रहा है, और क्या हो रहा है देख रहे थे, बट बहुत मजा आ रहा था करके। क्या क्यूट निकनेम, कोई निकनेम सबसे क्यूट उसका है अपना वरुण शर्मा का, चूचा उसको, आई थिंक फिल्म में उसका कोई कैरेक्टर का नाम था चूचा, सो उसको चूचा बोलते थे। और काजल को कैट्स बुलाते हैं सब, मेरे को तो सब मैंने बताया शाह भाई। Minus girls can call me Shabai. Kriti's attitude. अरे जो लिखा है वो तो बोल रहा है यार. Chai something यार. Kriti's attitude. Chai date. यार मैं actually थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है कहते हुए the king of romance को कि मैं कभी date पर गया ही नहीं. मैं आज तक life के अंदर किसी date पर नहीं गया हूँ. मैं मुझे पता ही नहीं कि date होती कैसे. मैंने कई बार अपनी एक्ट्रेसेस को फ्रेंड्स को बोला यार कि मुझे डेट पर लेकर जाओ, मुझे कहीं बाहर ले जाओ, तो वो लोग भी हम जब जाते हैं तो 7-8-10 लोग होते हैं, तो मुझे किसी ने कभी कोई डेट पर नहीं ले गया, ना मैं कोई डेट पर गया हूँ जहाँ तक मुझे याद है। एक मतलब बहुत सोच समझ के लोग उठा रहे हैं आजकल चिट, मजा आ गया मेरे को ये इंटरव्यू में। ट्रेडमार्क क्या हो रहा है काजल मैम से? ट्रेडमार्क बाय द वे आई लव काजल मैम एंड वो आई लव
नहीं ये बताएगी, ये बहुत क्लोज है। ट्रेडमार्क इन द सेंस एक उनकी आदत बताऊं या क्या बताऊं? आपने एक तो उनको जब हंसी आती है तो आती रहती है 20 मिनट तक, बट दैट काइंड ऑफ मेक्स अ सीन अ लॉट ऑफ फन। और एक उनकी एक इट्स नॉट ट्रेडमार्क बट एक उनकी आदत है या क्या है, व्हिच शी कॉल्ड रिसेंटली वर्बल डायरिया। बेसिकली हम लोग फ्लाइट पे थे, लंदन जा रहे थे, तो 9 घंटे की फ्लाइट व्हाटएवर, सोए सब लोग। जैसे ही उतरे कार्यालय में तो 9 घंटे हो गए, बात करो मुझसे। सो शी व्हेन शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग शी यूजुअली वांट्स टू टॉक, ओके, सो शी कांट लाइक स्टे विदाउट टॉकिंग इन द मॉर्निंग, व्हिच इज एग्जैक्टली हाउ आई एम आल्सो। मैं नहीं कुछ बोलूंगा, मेरे सीनियर हैं। टीपी टीपी इज नॉर्मली हम लोग टाइम पास बोलते हैं। मैं बिल्कुल यार गॉसिप समझ ही नहीं आता मुझको, ना मैं सुनता हूँ ना मुझसे कहा जाता है, ना मुझे मालूम है गॉसिप किसका क्या है। बट टाइम पास हम जो करते थे सेट के ऊपर, आई थिंक कभी कभी काजोल हमारे लिए खाना मंगा देती थी और फिर मेरी वैन में बैठ के हम खाना खाते वक्त गेम्स खेलते थे। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिल जाए हरगम, तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम। थैंक यू सास बहू, साजिश और सारी डेट के लिए। थैंक यू, मेरी पहली डेट है तुम्हारे साथ।